तो फाइनली मैंने लैपटॉप अपग्रेड कर लिया है। तो अभी तक मैं यूज़ कर रहा था एप्पल का मैकबुक प्रो 13 इंच विद टच बार 2017 मॉडल, बट अभी मैंने परचेज़ किया है एप्पल का मैकबुक प्रो 13 इंच विद टच बार 2019 मॉडल। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। बाय द वे, मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुंबई में अचानक से वेदर चेंज हो गया है, तो वीडियो में थोड़ा लो फील कर रहा रहूँगा, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो हेलो व्यूअर्स, एडी हियर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल कॉल्ड एडीके माइंड्स। आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बुलबुल शॉप ई कॉमर्स साइट ने। तो इनके पास काफ़ी सारे अमेजिंग गैजेट्स हैं बहुत ही कम प्राइस में, बट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये एक लेपल माइक। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये दिखता है, एंड यहाँ पे आपको इवन डेड कैट देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड नॉइज है वो कम हो जाता है, एंड साथ में यहाँ पे क्लिप दिया गया है, तो आप कहीं पे भी इसे लगा सकते हो। इसका जो वायर का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये एक बेस्ट पार्ट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम व्लॉग कर रहे हैं या फिर वॉइस ओवर दे रहे हैं या कुछ भी हम शूट कर रहे हैं, तो बहुत ही लंबा वायर रहता है, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है हैंडल करना, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी बढ़िया है, बट मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देता हूँ। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आ रहा है डायरेक्टली मेरे कैमरे से, और अब जो आप अगला आवाज़ सुनेंगे वो आएगा इस लेपल माइक से। तो जैसा कि आपने देखा कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है, और आप इसे अपने स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप या फिर इवन कैमरा के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो MRP है वो है अराउंड 899 रुपीज़, बट अभी ऑफर में ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज़ में। तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। एंड इवन इनके साइट पे काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं, जैसा कि जब आप पहली बार डाउनलोड करोगे तो आप स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड आप काफी सारे गिफ्ट जीत सकते हो। तो ऐसे करके काफी सारे ऑफर्स हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो ये रहा हमारा बॉक्स, और ये दिखने में एग्जैक्ट एप्पल के जितने भी मॉडल्स आते हैं लैपटॉप के उनके तरह ही दिखता है। सामने के साइड में आपको इमेज देखने को मिल जाता है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में एप्पल का लोगो दिया गया है, एंड ये वाले साइड में मैकबुक प्रो लिखा हुआ है। पीछे के साइड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो बॉक्स पे तो प्रिंटेड है 119,900 रुपीज़, बट ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 112,000 रुपीज़ का अगर आप HDFC का डिस्काउंट लगाओगे या फिर स्टूडेंट ID। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें अपना लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं, और इसके अंदर कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी कोई भी ज़रूरत है नहीं, इसमें सारा लैपटॉप के बारे में मेंशन है। और हमें यहाँ पे दो एप्पल का स्टिकर मिल जाता है, एंड फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 60 वॉट का ये चार्जर Type-C to Type-C, और बिलीव मी ये इतना ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है ना, मतलब आपके फ़ोन से जल्दी तो आपका ये लैपटॉप चार्ज कर देता है, तो ये एकदम बेस्ट चीज़ मुझे लगता है। और ये रहा पूरा बॉक्स कंटेंट। तो अब अगर लैपटॉप की बात करूं तो देखो ये फिजिकली दिखने में, चाहे आप बेजल्स ले लो, चाहे आप वेट ले लो, चाहे आप कलर ले लो, कुछ भी ले लो, एग्जैक्ट 2017-18 मॉडल जैसा ही दिखता है। तो कुछ भी ऐसा चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस वाले मॉडल में आपको सबसे पहले दो थंडरबोल्ट टाइप सी मिलता है और एक हेडफोन जैक मिलता है, और अगर आप इसके ऊपर के मॉडल्स लोगे तो वहाँ पे आपको 4 थंडरबोल्ट टाइप सी देखने को मिल जाता है और एक हेडफोन जैक मिलता है। तो ये बस एक डिफरेंस है फिजिकल में, अगर मैं बात करूं बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम मिलता है। और हाँ, मैंने लैपटॉप को पहले से ही अनबॉक्स कर दिया था और खोल दिया था स्टोर पे ही, तो मैं यहां पे वापस से कर रहा हूं। तो जैसे हम लैपटॉप को ओपन करेंगे आप देख सकते हो उसका जो बेजल्स है वो काफी कम है, और यहां पे आपको रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है 13.3 इंच का, और ये एक ट्रू टोन टेक्नोलॉजी पे डिजाइंड है, 2560x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, आपको 1.4 का क्वाड कोर इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और 8GB का रैम दिया गया है जो कि है DDR3, एंड 128GB का SSD मिलता है, एंड इंटेल का आयरिस प्लस ग्राफिक कार्ड 645 मिलता है। तो ये रहे इसके मेन की स्पेसिफिकेशंस, और आप को ये अराउंड मैं बोल सकता हूँ 1 kg इसका वेट है, तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है। बैटरी बैकअप इसका काफ़ी बढ़िया, अब एप्पल क्लेम करते हैं अपने हर लैपटॉप पे जो भी प्रो सीरीज़ के आते हैं कि अप टू 10 आवर्स का मिलता है, बट अगर आप नॉर्मल ब्राउज़ कर रहे हो तो भाई ये देखो 8 घंटे तक चल जाता है, बट अगर आप मेरे तरह वीडियो एडिट करते हो तो ये मुश्किल से 2.5 से 3 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट जो इसका चार्जर है वो इतना ज़्यादा और इतना जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है कि कोई भी टेंशन लेने की बात
बात नहीं है, तुरंत आपका लैपटॉप मतलब एकदम ऐसा बूम करके ऐसा चार्ज हो जाता है, तो ये एक बेस्ट चीज़ लगता है। और बाकी जो कीबोर्ड है वो बेटर किया गया है पिछले वाले वेरियंट से, और बाकी सब कुछ जो देखो एग्जैक्ट सेम। अब मैं क्या बात करूँ, ट्रैक पैड तो इसका बेस्ट रहता है ये, इसमें काफ़ी सारे आपको जेस्चर्स एंड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, टच बार काफ़ी बढ़िया है, टच आईडी यहाँ पे दिया गया तो आप डायरेक्टली अपना लैपटॉप अनलॉक कर सकते हो या फिर आप पासपोर्ट के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ब्राइटनेस हो गया, साउंड हो गया, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऊपर टच बार से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो जो भी मेन स्पेसिफिकेशंस थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है तो आप मेरा पिछला मैकबुक का वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है पिछले मॉडल्स की तरह। अब देखो सबसे अगर मेन बात पे आएँ कि 1.4 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 25 से 30 हज़ार दो एक्स्ट्रा सिर्फ इसके लिए। अगर आप नॉर्मल काम करते हो तो इससे आपका 100% काम हो जाएगा, एंड इवन अगर आप वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से ले रहे हो तो कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं और इसके पहले मेरे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला मॉडल था। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, एंड वैसे भी एप्पल जाना जाता है डिस्प्ले के लिए, तो उसमें कुछ बोलने वाली राय है नहीं। यहां पे हमें कुछ भी लैग या ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है नहीं, ऑल्दो इसमें सिर्फ i5 दिया गया है, बट उसके बाद भी इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बढ़िया है। कीबोर्ड काफी बेटर किया गया एज कंपेयर टू पिछले मॉडल से, आवाज अब उतना ज्यादा आता नहीं है, एंड ट्रैक पैड पे काफी सारे जेस्चर्स एंड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। टच बार के हेल्प से आप अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, एंड आप काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। इवन जब आप एडिट करो तो आप ट्रिम कर सकते हो, कलर करेक्शन कर सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है और मुझे तो इसका एकदम आदत हो गया है। यहां पे आपको टच आईडी देखने को मिल जाता है, एंड आज तक पिछले 3 साल में मैं कभी भी अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं किया हूं, क्योंकि आप डायरेक्टली इसे कभी भी बंद करो, जब भी आप ओपन करोगे बस टच आईडी रखो और वापस से वो पेज ओपन हो जाएगा, इतने बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है। और यहाँ पे इवन आप अपने पासकोड को भी इससे यूज कर सकते हो, तो ओवरऑल काफी बढ़िया है। एंड प्लीज भाई नीचे आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कितने प्राइस में, तो भाई विंडोज का i7 आ जाएगा, i9 आ जाएगा, 16 GB रैम आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। भाई देखो एप्पल का बात अलग है, सबसे मेन चीज तो मुझे आदत हो गया, क्योंकि मेरे पास इको सिस्टम है, मेरे पास दूसरे भी एप्पल के प्रोडक्ट्स है, दूसरी चीज मैं फाइनल कट प्रो पे एडिट करता हूँ, तो इसके अलावा कोई दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। एंड ओवरऑल काफी बढ़िया, एक बार आप खरीदो तो आपको भी पता चलेगा। तो जो लोग भी लेने का सोच रहे हैं इसे आप डेफिनेटली ले सकते हो, एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला ही लो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, इवन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करो। कुछ भी डाउट है लैपटॉप से रिलेटेड नीचे कमेंट करके पूछो, एंड हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा यूजर नेम है @ikemind। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।